अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन, टॉक्सिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी निमोनिक्स बना के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास फाइव ड्रग्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है TC, एक जैसे हम लोग ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। ठीक है, SSRIs जो हैं इन्हें हम लोग सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं, और SNRIs जो हैं हम लोग सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। उसके बाद एटिपिकल्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं MOIs। ठीक है, इनका यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, जो हमारे पास TC, इनके जो निमोनिक्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, उसके लास्ट में आपने याद रखना है आइन आता है, ठीक है, INE। ठीक है, इसमें हमारे पास TCA जो है उसके आपने याद रखना है पहले थ्री वर्ड्स जो है वो आपने याद रखने हैं MEMO डॉक्स। ठीक है, MEMO डॉक्स आपने याद रखना है, और लास्ट पे आपने आइन याद रख लेना है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा MEtriptyline, amoxicillin, doxycycline। ठीक है, उसके बाद SSRIs जो है इनमें आपने दो वर्ड्स याद रखने हैं, आइन प्लस प्रेम। ठीक है, फ्लॉक्सिटाइन, उसके बाद प्रोक्सीटाइन। ठीक है, फ्लॉक्सी एंड साइटेलो। ठीक है, यानी कि स्टाइलो आप इस तरह से याद रख लें, और प्रोक्सी याद रखें। ठीक है, तो फ्लॉक्सी, प्रोक्सी एंड स्टेलोप्रैम। जो स्टेलोप्रैम है उसके लास्ट पे जो है आपने एस ऐड कर देना, ESS से ऐड कर देंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार वर्ड्स आपने याद रखने हैं आइन प्लस प्रैम से। ठीक है, फ्लॉक्सी, प्रोक्सी, स्टाइलो। उसके बाद आपने याद रखना है SNRIs, इनके लास्ट पे भी आपने आइन याद रखना है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है विनाइलफ्लेक्साइन, वेनलेफ्लेक्सिन। ठीक है, ये दोनों वर्ड सेम है, इनके इसके पीछे जो है वो आपने डेस लगा देना। ठीक है, वेनलेफ्लेक्सिन, वेनलेफ्लेक्सिन। ठीक है, उसके बाद ड्यूलोक्सिटिन। ठीक है, ये आपने तीन याद रखने हैं, इसका आपने याद रखना है ड्यूडेस्विन। ठीक है, ड्यूडेस्विन, और लास्ट पे याद रख लेना है फ्लेक्सिन याद रख लें या आइन याद रख लें। ठीक है, तो ड्यूडेस्विन याद आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एटिपिकल जो है इसके लास्ट पे आपने डन याद रखना है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है निफेजोडन, ठीक है, ट्रेजोडन एंड विलेजोडन। ठीक है, निफेजोडन, ट्रेजोडन एंड विलेजोडन। ठीक है, ये तीन आपने याद रख लेना है, और ये दो जो है ये आपने ऐसे ही याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपने जरूर याद रखने हैं। ठीक है, बिप्रोपायोन एंड मेटाजोपिन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं MOIs इनहिबिटर्स। ठीक है, ड्रग्स इसमें जो है ये आपने तीन है, इनके तीनों को आपने इसी तरह याद रखना है। ठीक है, आइसोसेल्फोन से याद रख सकते हैं, या आईफोन जो है उससे याद रख सकते हैं, आईफोन सेलफोन। ठीक है, तो आइसो कार्बोक्साइड, स्लेजिलीन एंड फेनलजीन। ठीक है, ये तीन आपने याद रखने हैं। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं इन सबकी सब ड्रग्स के वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आपने ये जो मेन है ये आपने याद रखने हैं, या आप किसी में भी लगा देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने ABCD याद रखना है। ठीक है, उसके बाद WT और HI याद रखना है। जो हमारे पास HI है मेनली वो हमारे पास MOIs जो हैं, यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं उनमें मोस्टली होते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस, और हाइपरटेंशन उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और इंसोमनिया जो है वो भी इसमें आ जाता है। उसके बाद ये जो आपने याद रखना है, इसमें आपने ए से याद रखना है एरिथमिया, एनजाइटी। ठीक है, बी से ब्लड, C3 आपने याद रखना है कोमा, हो सकता है कन्फ्यूजन, कार्डियोटॉक्सिसिटी, कंसिपेशन। ठीक है, D3 से आपने सेक्सुअल डिसफंक्शन, ड्रोजीनेस, ड्राई माउथ, और WT से W से आपने ये वेट्स आपने वेट के याद रख लेना है, और टैकीकार्डिया याद रख लेना। ठीक है, तो ये जो है ये आपने सारे याद रखने हैं। अगर आपको किसी में नहीं ट्रक में भी आ रहा, में से आप कोई भी लिख देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब में सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, इस तरह से आपने एडवर्स इफेक्ट्स याद रखने हैं। उसके बाद देन हमारे पास इसके जो प्रॉपर टेबल है वो मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, जिसमें हमारे पास पहले आ जाता है ड्रग्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें TCA है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, इसका, और एडवर्स इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल यूजेस आपको बताऊंगी। ठीक है, TCA यानी कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ये है कि इनहिबिट करता है न्यूरोट्रांसमीटर रीऑप्टिक को, ब्लॉक करता है नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स को, ब्लॉक करता है हिस्टामिन, मस्क्रेनिक एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, इन तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर रीऑप्टिक जो उसकी इनहिबिशन करता है। ये तीन पॉइंट्स मेन है जो आपने याद रखने हैं। उसके एडवर्स इफेक्ट्स मैंने आपको पीछे बताए हैं, सब सारे इसमें हट जाते हैं। ठीक है, सारे आपने इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल थेरापेटिकल यूजेस जो हैं हमारे पास, इन्हें ये आपने याद रखना है कि मेजर डिप्रेशंस जो हैं उनके लिए यूज़ होती हैं, और शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में क्रॉनिक पेन में इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉनिक पेन, ठीक है, एक आपने क्रॉनिक पेन, मेजर डिप्रेशन और OCD, ये तीन आपने याद रखने हैं। ये तीन भी सब में आ सकते हैं। ठीक है, सब में आपको, बाकी में नहीं आ रहा तो आप बाकी में भी लिख सकते हैं, क्रॉनिक पेन, OCD एंड मेजर डिप्रेशन।
उसके बाद SSRIs आ जाते हैं, ये ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑन द एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, और ब्लॉक करते हैं 5-HT ट्रांसपोर्टर्स को, हिस्टामिन रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको ये ब्लॉक करते हैं। उसके बाद इसके जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी आप वो वाले भी लिख सकते हैं और ये भी बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपने जो एस हमारे पास सेरोटोनिन है उसे आपने याद रखना है, इसमें सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है, ठीक है, इंसोम्निया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। एस से आपने याद रखना है, इसमें मोस्टली जो वो एस वाली चीज़ें आ रही होंगी, स्टिमुलेशन, CNS स्टिमुलेशन, सेरोटोनिन सिंड्रोम, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसका जो थेरापेटिक यूजेस हैं या क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं उनमें हमारे पास आ जाता है कि लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, OCD एंड एनजाइटी, एलिवेशन मूड लेवल जो है उसको ही इंक्रीज़ करता है, और बुलिमिया जो ये फ्लॉक्सिटिन जो इसका हमारे पास ड्रग है मेनली वो इसके लिए अप्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है SNRIs जो है वो सेम है एज अ TCA, यानी कि इन दोनों से सेम है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही आपने इसमें लिख लेना, लेकिन इसमें ये है कि ये हिस्टामिन को अल्फा एंड मेस्पेरिनिक रिसेप्टर्स जो है उनके वो ब्लॉक नहीं करता, और TCA जो है वो इसको ब्लॉक करता है, इनका मेन डिफरेंस है। उसके बाद इसमें आपने जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं उसमें आपने हाइपरटेंशन, सेडेशन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको A से D से C से बताए थे वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल यूज़ वो भी सेम है, क्रॉनिक पेन, मेजर डिप्रेशन, ठीक है, और मेनोपॉज़ल सिम्टम भी आपने याद रखना है। उसके बाद एटीपिकल आ जाते हैं, एटीपिकल में आपने जो एक ड्रॉप मैंने आपको बताया था मेट्रोजोपिन, मेट्रोजोपिन जो है वो ब्लॉक करता है प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स को, और बाकी सारे जो हैं वो ब्लॉक करते हैं 5-HT रिसेप्टर्स को, ठीक है। उसके बाद इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी सेम है, आप इन सब में से कोई भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हाइपरटेंशन आपने लिख लेना है और बाकी कोई भी लिख सकते हैं। और हिप्नोसिस में जो है इसका क्लिनिकल इफेक्ट में यूज़ है, इसका क्लिनिकल यूज इसमें, और बाकी इसमें स्मोकिंग सेसेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद MAOs जो है इसका आपने MAO से ही याद रख लेना कि ये MAOA और MAOB जो है उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और इस इनएक्टिवेट करते हैं जो इनएक्टिवेशन होती है मोनोअमाइन की माइंस की, ठीक है, जो कि लिक्विड होती है फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और सेलजिनेशन जो है मैंने आपको ड्रग इसका बताया वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि ये अनरिस्पॉन्सिव होते हैं टू अदर ड्रग्स, इसमें भी हाइपरटेंशन क्राइसिस और बाकी सारे जो होते हैं मैंने आपको ड्रॉजीनेस बताया है। उसके बाद इसका इंसोम्निया आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी तो ये पे बस आपने जो है इसके मॉनिक्स में आपके याद रख लेना, बहुत ही सही है, आपने इस तरह से करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।